वेलकम बैक गाइस। गाइस देखिए एस एंड पिकाचू अपनी जर्नी पर जा रहे थे, तभी एस कहता इस तरफ से जाते हैं और एस उस तरफ चलने भी लगता है। थोड़े आगे जाके बाद एस वापस मुड़ जाता है, देखिए वापस मुड़ जाता है, और उसके बाद पिकाचू को बहुत गुस्सा आता है और पिकाचू एस को शॉक देता है। गाइस देखिए एस को शॉक लगता है और एस भी बहुत गुस्से में आ जाता है और पिकाचू पर बहुत गुस्सा करता है, पर पिकाचू तो बहुत अच्छा रहता है देखिए गाइस। लेकिन गाइस हर बार की तरह टीम रॉकेट आकर पिकाचू को पकड़ लेती है। पिकाचू बहुत कोशिश करता है नेट में छूटने के, पर वो छूट नहीं पाता है। पर तभी गाइस एस अपने पोकेमोन को बुलाता है और टीम रॉकेट के साथ बैटल करता है, और हमेशा की तरह टीम रॉकेट उस एस के साथ टिक भी नहीं पाती और फेल हो जाती है। और आखिर में पिकाचू चाल से निकल ही जाता है, और पिकाचू हर बार की तरह टीम रॉकेट को बहुत जोर का झटका देता है और टीम रॉकेट आसमान में उड़ जाती है गाइस। और उसके बाद सभी पोकेमॉन साथ में खेलने ही लगते हैं गाइस, पर लेकिन तभी आसमान में कुछ ऐसा दिखाई देता है देखो गाइस, और वो पानी में जाके गिरता है और उसकी आवाज़ सुनकर एस वहाँ पे जाता है। और एस देखता है कि कोई पोकेमॉन डूब रहा है और एस उसकी मदद करता है, और वो पोकेमॉन और कोई नहीं लेटरस था। एस उसकी मदद करने के बाद उसको बाहर निकालता है और उसके पट्टी बट्टी लगाता है गाइस। देखो ऐसे ही गाइस एस पूरी रात जाकर लेटरस की मदद करता है, उसकी पट्टी बट्टी करता है, उसकी दवाई लगाता है, और लेटरस सुबह होते ही ठीक हो जाता है और वो उड़ने भी लगता है। लेकिन तभी ही टीम रॉकेट फिर से आ जाती है और लेटरस को पकड़ लेती है। उसकी मदद करने के जाते ही एस को भी वो पकड़ लेती है। तभी ही पिकाचू उनको मदद करता है और उसे ग्लास में से बाहर निकालता है। गाइस देखो पिकाचू के शौक से ग्लास टूट जाता है और एस और लेटरस नीचे गिरने ही लगते हैं, लेकिन लेटरस एस को बचा लेता है। और आखिर में लेटरस एस को थैंक यू कहता है और वहाँ से चला जाता है।